कोरोना कहर के बीच स्थगित हुई प्लास्ट इंडिया। जनवरी 2020 मुंबई में आयोजित प्लास्ट विजन इंडिया प्रदर्शनी के दौरान जिस वक्त प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन तेजी के साथ 4 से 8 फरवरी 2021 को प्रगति मैदान में प्रस्तावित अपनी प्रदर्शनी के लिए जोरदार प्रचार कर रहा था, उस वक्त उसे क्या मालूम था कि 2 माह बाद ही कोरोना का कहर सब कुछ बदल कर रख देने वाला है। और आखिरकार यही हुआ। कोरोना वायरस के प्रकोप ने देश में ऐसा कहर मचाया कि प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन को 2021 में आयोजित अपनी प्रदर्शनी स्थगित करनी पड़ी। इस वजह से प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन को एक बड़ी क्षति पहुंची। लगातार 2 साल तक पूरा कामकाज प्रभावित रहा। इस दौरान उसे काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। 2023 के लिए फिर ऐसे खड़ी हुई प्लास्ट इंडिया। कोरोना कहर के बाद तमाम नुकसान झेलने के बावजूद प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन 1 से 5 फरवरी 2023 को अपनी प्रदर्शनी की नई तारीख निर्धारित की और पुनः कमर कसकर खड़ी हुई। इस बीच उसने अपने खर्चों में काफ़ी कटौती की। तमाम रोड शो के प्रोग्राम निरस्त किए गए। NEC कोर कमेटी को बेहद छोटा बनाया गया और चुने हुए लोगों को इसमें शामिल किया गया। साथ ही कई खर्चों में कटौती भी की गई। पैसे की आवक बनाने के लिए पहली बार प्लास्ट इंडिया आयोजन के दौरान स्पॉन्सरशिप का सिस्टम बनाया गया। बहुत संभल कर हुई स्टॉल की बुकिंग, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण प्रगति मैदान का काम ठप पड़ चुका था। ऐसे में कोरोना के बाद प्रगति मैदान के कंस्ट्रक्शन का काम एक बार फिर से शुरू हुआ। इन परिस्थितियों में बहुत सारे हॉल तैयार होने बाकी थे। यह भी सुनिश्चित नहीं था कि कौन सा हॉल कब तैयार होकर मिल पाएगा। असमंजस की इन्हीं स्थितियों में प्लास्ट इंडिया 2023 को तमाम स्टॉल्स की बुकिंग भी करनी थी। शुरुआत में जहां कोरोना वायरस के डर से बुकिंग बहुत धीरे धीरे हो रही थी, वहीं वर्ष 2022 के अंतिम दौर में बुकिंग के लिए एग्जिबिटर्स की भारी लाइन लग गई। ऐसे में प्लास्ट इंडिया कमेटी को बहुत ही सूझबूझ के साथ संभल कर बुकिंग करनी पड़ी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हॉल नंबर 6 और 14 को लेकर प्लास्ट इंडिया कमेटी ने लिया था बड़ा रिस्क।